नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ रामानंद श्रीधर। कहते हैं कि सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते हैं, और ऐसा ही कुछ आजकल कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के साथ होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। फिर क्या, मामले को लेकर सियासी घमासान मच गया और कांग्रेस प्रवक्ता के खिलाफ वाराणसी, लखनऊ समेत असम तक मामले दर्ज किए गए। अब तक उनके खिलाफ दो राज्यों में 3 FIR दर्ज हो गई हैं, और जिसको लेकर आज असम पुलिस ने उनको गिरफ्तार भी कर लिया। जिसको लेकर दरअसल बताया जा रहा है कि कांग्रेस प्रवक्ता छत्तीसगढ़ में रायपुर में हो रहे कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही उन्हें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया गया। फिर क्या, कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता एयरपोर्ट पहुंच गए और जमकर हंगामा किया और विरोध प्रदर्शन करते हुए बीजेपी पर कई बड़े सवाल खड़े किए। इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी पर तानाशाही करने का आरोप भी लगाया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी केंद्रीय जांच एजेंसियों का गलत दुरुपयोग कर रही है और उनके नेताओं के खिलाफ गलत तरह से कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान क्या कुछ कांग्रेस के नेताओं की ओर से बीजेपी सरकार को घेरा गया, क्या कुछ हाई वोल्टेज ड्रामा रहा, आइए सबसे पहले वो देख लेते हैं। मुझे भी नहीं मालूम, मुझे कहा गया आपका सामान दिखवाना है, मैंने कहा मेरे पास सामान है ही हटा गया, मैंने एक बार आप आइए रहना है। नीचे आया तो कहा कि आप नहीं जा सकते, अभी DCP आएंगे आपसे, मुझे खुद नहीं मालूम पिछले 20 मिनट से DCP की इंतजार कर रहे हैं, क्या नियम है, क्या कानून है, क्यों मुझे रोका जा रहा है, मुझे नहीं मालूम। ऐसे एयरपोर्ट पे बिना किसी वजह के तो रुकना बड़ा मुश्किल होता है, जब तक मुझे तो नहीं समझ में आ रही है, इंतजार ही कर रहा हूँ DCP साहब आ जाए। हम सब लोग 6E204 की फ्लाइट से, इंडिगो की फ्लाइट से अपने महाधिवेशन के लिए रायपुर जा रहे थे। इस फ्लाइट में कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के जो हेड है पवन खेड़ा जी, वो भी हमारे साथ थे। इस फ्लाइट में हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन JCP गोपाल जी हैं, जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं, ऐसे तमाम लोग इस फ्लाइट में जा रहे थे। ये फ्लाइट कांग्रेस महाधिवेशन, जो 85वां कांग्रेस महाधिवेशन हो रहा है, वहां के लिए अग्रसर थी। जब हम लोग चलने वाले थे तभी पता चला कि पवन खेड़ा जी को ये कहकर उतारा गया कि आपके बैग का कुछ एक्सचेंज हो गया, जबकि उनका कोई चेक इन बैग भी नहीं था। नीचे आने पर उनको बताया गया कि उनको डीप्लेन किया गया है और ये CISF के कोई DSP आएंगे, उनको कोई नोटिस सर्व करेंगे। ये मनमानी तानाशाही नहीं तो और क्या है? क्या आप लोगों को फ्लाइट भरने से रोकेंगे? आपने पहले हमारे महाधिवेशन में व्यवधान डालना चाहा वहां पर ED रेड कराकर, अब आप हमारे कुलीग को यहाँ पर डीप्लेन कर रहे हैं। इन्होंने ऐसा कौन सा गलत काम किया है जिसके लिए ये कार्रवाई की जा रही है, किन धाराओं के अंतर्गत की जा रही है, ये बताना पड़ेगा। और जब तक ये हवाई जहाज हम सबको लेकर, इंक्लूडिंग पवन जी को लेकर नहीं होता है, हम सब यहीं खड़े रहेंगे और ये तानाशाही कतई बर्दाश्त नहीं है। तो आपने देखा किस तरह से कांग्रेस नेता बीजेपी पर हमलावर नजर आए। इस दौरान पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में मामले पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनको मंगलवार तक गिरफ्तार ना किया जाए। इतना ही नहीं, मामले पर अब सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होगी। ऐसे में अब देखना होगा कि मामले में सुप्रीम कोर्ट आगे क्या कुछ फैसला लेता है और पवन खेड़ा की गिरफ्तारी होती है या नहीं, ये तो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आज की बड़ी अहम खबर में इतना ही, लेकिन अन्य बड़ी अहम खबरें देखने के लिए आप बने रहिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। नमस्कार।